टीवी पर सीरियल्स तो बहुत देखे होंगे और सीरियल्स की सास ननद जेठानी टाइप के कैरेक्टर से भी आप वाकिफ होंगे, पर सोचिए ये सीरियल वाली ननद अगर असल जिंदगी में टीवी से बाहर निकल के आ जाए तो? सोचना क्या है, बाहर आ गई है दोस्तों और बच्चन परिवार में जाके सेटल भी हो गई है। जी हाँ, एकदम सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या की ननद यानी कि श्वेता बच्चन की। किसी ने सच ही कहा है कि अगर ननद छोटी होती है तो भाभी की दुलारी होती है, लेकिन अगर बड़ी हो तो सब पर भारी होती है। आजकल बच्चन परिवार में यही चल रहा है। भाई भाभी के बीच की कलह की वजह सास तो है ही, लेकिन अब उससे चार हाथ आगे निकली उसकी ननद यानी कि श्वेता बच्चन। हाल ही में श्वेता बच्चन का एक नया वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो तो है पुराना, लेकिन जब से अभिषेक ऐश्वर्या के बीच ग्रेट डिवोर्स की चर्चा आम हुई तभी से ये पुराना वीडियो भी वायरल होने लगा। ये वीडियो है करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण के छठे सीजन का, जिसमें अभिषेक बच्चन अपनी बहन श्वेता के साथ पहुंचे थे। रैपिड फायर राउंड में श्वेता से सवाल किया गया, बेहतर एक्टर कौन है, ऐश्वर्या या अभिषेक? पलक झपकते ही श्वेता ने अभिषेक का नाम ले लिया। अब ये तो जग जाहिर है कि अभिषेक से ज्यादा सक्सेसफुल है ऐश्वर्या और ऐश्वर्या को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी जलन के चलते श्वेता ने अभिषेक का ही नाम लिया। खैर, इसके बाद करण ने फिर सवाल किया, ऐश्वर्या और अभिषेक में कौन है स्ट्रिक्ट पेरेंट? इस पर श्वेता ने ऐश्वर्या का नाम ले लिया। लास्ट में जब करण ने पूछा कि अभिषेक को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तो उस समय अभिषेक ने अपनी माँ का नाम लिया, लेकिन तभी श्वेता ने तपाक से बोल दिया वाइफ यानी कि ऐश्वर्या। श्वेता का ये पुराना इंटरव्यू इस समय जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, लोगों ने तो श्वेता के जवाबों पर अपनी नाराजगी तक जाहिर कर दी है। किसी ने लिखा, बहन तुम टिपिकल इंडियन सीरियल वाली ननद हो, तो दूसरे ने लिखा, पक्का हो गया अब, इसी लड़की ने उनका रिश्ता खराब कर रखा है। ये बात तो सच है कि लड़की अपना ससुराल छोड़कर मायके में जाकर बस जाएगी तो भाई भाभी की जिंदगी में कलह तो करेगी। श्वेता अपने पति और ससुराल को छोड़कर ये ही कर रही है, जब हर जगह बच्चन परिवार के साथ पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अनंत की शादी में भी तो यही हुआ, मायके में ऐसे कुंडली मारकर बैठी है मानो जैसे सब चीजों पर कब्जा करना चाहती है, और तो और बेटा बेटी को भी यही सेटल कर दिया है ताकि कोई इनके साम्राज्य को हिला ना पाए। यूं तो मानते हैं कि माँ के बाद अगर घर की बेटी अपनी इच्छाएं किसी के सामने रख पाती है तो वो होती है उसकी प्यारी भाभी, पर आए घर से ससुराल आई हुई भाभी को अगर ननद अच्छी मिल जाए तो नए घर में उसका रहना अपने आप आसान हो जाता है, लेकिन अगर श्वेता जैसी ननद हो तो अच्छा खासा घर टूट जाता है ना। खैर, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, और देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहे श्रेष्ठ भारत।